वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन आंसर के बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय जी, अभी खाद्य की स्थिति के ऊपर जो बहस चल रही है उससे संबंधित दो बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मैं अपने ज़िले में गया था, यद्यपि चारों ओर इस बात का बहुत शोर है कि इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन हमारे ज़िले में वर्षा बहुत देर से होने के कारण वहाँ पर फसल बहुत थोड़ी हुई है। इसलिए अगला जो साल आ रहा है उसमें वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत रहेगी। मंत्री जी इसके लिए तैयार रहें और वहाँ पर जो सहायता की ज़रूरत हो, जो अन्न की ज़रूरत हो, मंत्री महोदय उसका उपाय करें। एक दूसरी बात की ओर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी गेहूं की बुआई का समय है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने बीज का प्रबंध कर दिया है। जहां तक मैं अपने ज़िले के लोगों से बात कर पाया, सबने यह बताया कि उनको यह परेशानी है कि उनको गेहूं का बीज बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और इसलिए इन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहाँ तक खाद्य स्थिति का सवाल है, आज भी इस संबंध में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खाने पीने का सवाल ही किसी देश या व्यक्ति के लिए पहली चिंता का विषय होता है। अभी तक हमारा देश इस पहली चिंता के विषय से ऊपर नहीं उठ पाया है, और इसलिए बार बार इस खास स्थिति के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहस करनी पड़ती है। यह बात आज से 2 वर्ष पहले कही गई थी कि अब हम लोगों ने अच्छी खेती का प्रबंध कर लिया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में इतनी उपज होनी शुरू हो गई है कि जिससे अब अपने देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर न रहना पड़े। यहाँ की पैदावार से ही अपने देश का काम चल सकता है। इस तरह का आश्वासन हम लोगों को दिया गया था और कहा गया था कि हरित क्रांति हो रही है, अर्थात खेती में ऐसी क्रांति हुई है जिसका परिणाम यह होने वाला है कि अन्न के मामले में हम लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद फिर वही रवैया देखने में आया। पिछला वर्ष जो बीत चुका है उसमें कहा गया था कि अन्न की कमी है। पहले जो कहा गया था कि अन्न का आयात समाप्त कर दिया जाएगा, उसको भुलाकर फिर अन्न के आयात की ओर ध्यान दिया गया और फिर हमारे यहाँ अन्न का आयात होना शुरू हो गया है। इस वर्ष फिर कहा जा रहा है कि हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन उपज होने के बाद भी देश में खाद्य की स्थिति सुधर नहीं पाती है। इसका क्या कारण है?
इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उपसभापति जी, मैं यह कहने में कतई संकोच नहीं करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो ग्रामीण क्षेत्र है वह पूरे का पूरा बेरोजगार क्षेत्र है। हमारी यह मान्यता रही है कि 6 एकड़ से नीचे जिस किसान के पास जमीन है उसे हानिकारक जोत कहा जाता है। इतनी जमीन जो लोग अपने पास रखते हैं वे बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाते हैं। 2% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे कुछ ज़्यादा जोत हो सकती है। इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसका औसत करीब 85% है वह साल भर में लगभग बेरोजगारी या अर्धबेरोजगारी की स्थिति में रहता है। अब तो 15 लाख लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की बात है। उनकी स्थिति क्या है, उनके संबंध में जो रिपोर्ट है उसमें बतलाया गया है कि निजी क्षेत्र में नौकरियों की जो क्षमता है वह करीब 3 लाख है। इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। कुल मिलाकर आप 8 लाख लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। आपने जो यह 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है यह कैसे पूरी करेंगे? इस स्थिति में निश्चित रूप से आपको विचार करना होगा कि इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गए हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी, बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार से हल होगी। इस बात पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। महोदय, जब हम इस स्थिति पर विचार करें तो हमें इस बात के बारे में भी निश्चित रूप से ध्यान देना होगा कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे हर उद्योग के लिए रोजगार देना आवश्यक हो जाए। हमने देखा होगा कि निजी क्षेत्र को राहतें दी जाती रही हैं ताकि वह अधिक उत्पादन कर सकें, लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि जब वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं तो उनको रोजगार भी आवश्यक रूप से देना चाहिए। मशीनीकरण पर अधिक जोर न देकर उनको अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने पर विचार करना चाहिए। यह सही है कि मशीनीकरण से उत्पादन अधिक हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लोग अगर उससे बेरोजगार होते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। हमारे यहाँ भूमि की सीमा है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है और उसमें अधिक लोग काम भी नहीं कर सकते हैं। यह जो आर्थिक समीक्षा है इस पर हमें सही दिशा में सोच विचार करना पड़ेगा और हमें यह मानना पड़ेगा कि अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि जो मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। आज तक हमने संपत्ति को मूल अधिकार माना है। मेरा कहना है कि यह भी एक कारण है जिससे हमारे
दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में सहायता मिली है। महोदय, यह सही है कि हमें आज़ादी बहुत भारी बलिदान के बाद मिली है। स्टॉप।